जनाब खुदा आप सबको बरकत दे, खुदामंद आप सबकी हिफाजत करे, खुदामंद आपको छुए और मसा करे। वीडियो ज़रूर आगे शेयर कर दिया करे ताकि हर के पास पहुँचे, हर आदमी के पास पहुँचे, हर किसी के पास पहुँचे। तो काफ़ी लोगों का सवाल था कि राग भैरवी को असावरी भैरवी क्यों कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि राग भैरवी में और असावरी में सिर्फ एक सुर का फ़र्क है, वो है शुद्ध रे का। ठीक है, भैरवी में कोमल रे लगता है, ठीक है, और असावरी में शुद्ध रे लगता है। ठीक है, सारे गा मा प ध नी सा सा नी ध प म ग वाला रे लगने से असावरी भैरवी बन जाएगा। अभी इसका फर्क क्या है? सिर्फ फर्क यही है कि जब हम कोई गजल गाते हैं, उस गजल में जब हम कंपोजिशन बनाते हैं, तो कंपोजिशनों में मतलब के ना कोई सुर हम गैर लेते हैं, मतलब कि रबी कंपोजिशन मैंने बनाई है वो राग भैरवी में है, उसमें असावरी का सुर लग गया, तो उसे फिर हम असावरी भैरवी कह देंगे। मैं आपको समझा देता हूँ, देख लें जरा। अभी ये गजल मैं गा रहा हूँ, इसको जरा गौर से देखिएगा। तेरी कौन सी फिल्मी गाने बहुत हैं, मतलब जिसे असावरी भैरवी कहते हैं ना, इस तरह ही काफ़ी फिल्मी गाने हैं, ठुमरियां हैं, तराने हैं, काफ़ी कुछ है मतलब इसमें ना। तो मैं तो सिर्फ गीत ही सिखाता हूँ, इस वजह से फिर मैं आगे आपको गाना शाना कोई नहीं बता सकता, ये मेरी मजबूरी है। तो मतलब कि आप जब भी करें अच्छे से करें, चीज़ मैंने आपको बता दी, सिर्फ फ़र्क यही है। ठीक है, सारे गम पध पम सानी ध पम प ग रे ग सारे ग रे गम गम पम पध पदनी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर आगे शेयर कीजिएगा। खुदा आप सबको बरकत दे, खुदा आप सबकी हिफाजत करे, खुदा आप सबके साथ हो। आमीन।